इंडिया हैज मैनी लेक्स दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द साइज मोस्ट लेक आर परमानेंट सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन यानी कुछ तो परमानेंट है और कुछ ऐसे लेक्स हैं जिसमें सिर्फ रेनी टाइम में ही वाटर अवेलेबल होता है कुछ सेमी अराइड रीजन पे है और कुछ हिमालयन माउंटेन्स में भी है Meandering river across a flood plain from cutoffs that large later developed in Oxbow Lake. Spits of bars from lagoons in the coastal areas. जो मैंने आपको पहले बताया था उसमें कुछ थी जो ऑक्सबो डेवलप हो रही कुछ मीएंडर डेवलप हो रही थी यानी लेक्स अपने आप में बन रही थी उनके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं चिलिका लेक पुलिकेट लेक कोलेरू लेक वुलर लेक एक्सेट्रा लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल कभी कभी क्या होता है कि ये सीजनल होती हैं और कभी कभी इनमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर होता है सांभर लेक इन राजस्थान इज अ सॉल्ट वाटर लेक इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट यानी इसमें इतना सॉल्ट है इतना इसमें खारापन है कि ये नमक बनाने के काम में आती है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ ग्लेशियर है स्लोप होने की वजह से जो उसके गॉर्जेज हैं गहरी घाटियां हैं उनके बीच में अपने आप लेक डेवलप हो जाती हैं ये ग्लेशियर से बनती हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी पानी पूरे साल इनमें बना रहता है दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विथ सॉम लेट स्नो मेल्ट जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पिघलने के बाद इस पे पानी को बनाए रखती है वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन कंट्रास्ट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले बताई थी उसकी वजह से ये लेक डेवलप हुई है इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया ये पूरे भारत की यानी होल इंडिया में फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है डल लेक भीमताल नैनीताल लॉकटक बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक जो हिमालय में है नेचुरल लेक्स द डैमेजिंग डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोविंद सागर जो कि भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे जो भाखरा नांगल डैम बना हुआ है वहाँ पे ये डेवलप की गई है लेक्स आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स सीनिक ब्यूटी के लिए होती है टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं इसके अलावा ये फ्लड को प्रिवेंट करती है यानी जब रेनी टाइम होता है तब ये पानी को अपने आप में रोकती है और जब ड्राई सीजन होता है तब ये उसको यूजफुल बनाती है ये फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करती है साथ ही जो हाइडल पावर होती है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम में आती है मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स अपने आसपास के एरिया को भी ये मॉडरेट करती है मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम नेचुरल ब्यूटी हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन ये लेक्स के बेनिफिट्स हैं रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी अब इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में लेक का क्या रोल है वो हम देखेंगे
Water from the rivers is a basic natural resource essential for various human activities. रिवर बैंक हैव अट्रैक्ट सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम. जो एंशियंट सिविलाइजेशन हमने पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़े थे, उसमें यही था कि जो सिविलाइजेशन थे वो रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर, हमेशा नदियों के किनारों पर ही होते थे. दीज सेटलमेंट हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़. और जो वो छोटे छोटे गांव थे या लोगों ने रहना शुरू किया था, वो आज बड़े शहरों के रूप में बदल गए हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ये रिवर इरिगेशन, नेविगेशन, हाइडल पावर जनरेट करने में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पर्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, खासतौर पे भारत में जहाँ पे एग्रीकल्चर एक बेसिक मेजर सोर्स है जीवन यापन, लाइवलीहुड यानी जीवन यापन करने का एक अच्छा साधन है, वहाँ पे ये अपने आप में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं. क्योंकि प्रोडक्शन जो पंजाब है, हरियाणा है, जो पंजाब वाला साइड है, वहाँ पे लार्ज रिवर्स हैं, हिमालयन प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स है, गंगा और नियर बाय प्लेसेस, वहाँ पे ये प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी सपोर्ट करती हैं. नेक्स्ट इज रिवर पॉल्यूशन. अभी देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इसके यूजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो रिवर्स भी पॉल्यूट होती जा रही है. डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर. वो क्या होता जा रहा है, रेगुलर मीन्स डे बाय डे वो डाउन होता जा रहा है, पॉल्यूट होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है. मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम. ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका दोहन हो रहा है, काम में उसको लिया जा रहा है, उससे उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है. अगर हम दूसरी तरह से देखते हैं तो जो सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, एफ्लुएंस यानी क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट यानी जो उनके केमिकल वेस्ट होते हैं, वो सब किस में डाल दिए जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं नदियों में. दीज अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये सिर्फ पानी का स्तर तो गिराता ही है, साथ ही साथ जो अपने आप साफ होने का नदियों का तरीका होता है उसको भी खत्म कर देता है. एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड असिस्मेट पॉल्यूशन लोड्स विद इन 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज, बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डोंट अलाउ इट टू हैपन एंड द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैव बीन राइजिंग. यानी कि बड़ी नदियाँ, जो कि आपको पता है कि गंगा एक बहुत ही बड़ी नदी है, वेरी लार्ज रिवर, दोनों साइड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन यानी औद्योगिकरण और शहरी विकास हो जाने की वजह से उसमें गंदगी भी, प्रदूषण भी बढ़ता ही जा रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है. कंसर्न ओवर राइजिंग पॉल्यूशन इन आर रिवर्स लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान. तो अब जबकि ये नदियाँ गंदी होती जा रही हैं, पॉल्यूट होती जा रही हैं, तो इसको रोकने के लिए कई एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से इनको रोका जा सके और गंदगी को दूर किया जा सके, जिसके लिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP बनाया गया 1985 में. इसमें वर डिक्लेयर क्लोज ऑन 31 मार्च 2000. इसमें ये प्रावधान रखे गए कि इसमें जो पॉल्यूशन है उसको किस तरह से रोका जाए. गंगा एक्शन प्लान फेस वन, दीज हैव बीन अप्लाइड
टू द मेजर पॉल्यूटेड रिवर ऑफ द कंट्री अंडर द NRCP गंगा एक्शन प्लान के फेज वन में मेजर रिवर, सिर्फ गंगा ही नहीं और भी जो सहायक बड़ी नदियां हैं उनमें पॉल्यूशन को रोकने के लिए कई विचार किए गए। गंगा एक्शन प्लान फेज टू में GAP में NRCP को मर्ज कर दिया गया। इसमें 152 टाउन्स को लोकेट किया गया जो कि पॉल्यूट कर रहे थे रिवर को, अलॉन्ग 27 इंटरस्टेट रिवर्स इन 16 स्टेट, यानी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया। अंडर दिस एक्शन प्लान पॉल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स आर बीइंग टेकन अप टू 57 टाउन्स। अ टोटल ऑफ 215 स्कीम्स ऑफ पॉल्यूशन अबेटमेंट हैव बीन सैंक्शनड। इसमें कई तरह के पनिशमेंट डिसाइड किए गए और उन पे रोक लगाई गई। सो फार 69 स्कीम हैव बीन कंप्लीटेड अंडर दिस एक्शन प्लान। अ मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। मतलब इसमें जो गंदा पानी सीवेज वाटर जो इसमें ड्रेन होता था वो, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता था उन सबको रोकने के भी इंतज़ाम किए गए, उनके लिए सेपरेट कनेक्शन बनाए गए और उसे डाइवर्ट किया गया, यानी अलग जगह पर कलेक्ट करने के बाद उसे ट्रीट किया जाने का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान्स थे जो कि डिसाइड किए गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।